हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे, सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट लेक्चर एनसीईआरटी का, जो हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसका लास्ट चैप्टर आज हमारा शुरू होने वाला है, जिसका नाम है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, मतलब जो देश होते हैं, मतलब कंट्रीज होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, तो जो भी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, कि डॉलर का एक्सचेंज होता है इंडिया के साथ, वो कैसे होता है, वो सब उसके बारे में, उसकी मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ओपन इकोनॉमी में मतलब जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। किस तरह से लिंक्ड होते हैं कि आउटपुट मार्केट और दूसरा है फाइनेंस मार्केट, तीसरा है लेबर मार्केट। आउटपुट मार्केट में क्या होता है, जो गुड्स और सर्विस होती है,
ठीक है, वो क्रॉस बॉर्डर उसका सेलिंग और बाइंग होता है, ठीक है। मतलब हम अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से गुड्स मंगवाते हैं, दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरह का जो भी मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट मार्केट। दूसरा होता है फाइनेंस मार्केट, जिसमें फाइनेंशियल एसेट हो गए, जैसे कि बॉन्ड हो गया, ठीक है, अमेरिका की ट्रेजरी का बॉन्ड इंडिया ने खरीद लिया, ठीक है, इंडिया की कंपनी का शेयर अमेरिका ने खरीद लिया, तो ये सब हो गया फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद आता है लेबर मार्केट, जो जिसमें मतलब अगर कोई जो मान लो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है, यूएस की कंपनी है, इंडिया में अपना काम है जो, और जो आउटसोर्स करती है, तो इंडिया में जो भी लेबर है उसको मतलब ये लेबर का आदान प्रदान हुआ ना एक तरह से, कि यूएस ने अपना काम जो है इंडिया में आउटसोर्स किया, इंडिया ने अपना काम जो भी मान लो यूके में आउटसोर्स किया, तो इस तरह से मतलब लेबर का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो इस तीन तरह के मार्केट होते हैं, ठीक है, थीके? जिसमें जिसमें कॉमोडिटी या फाइनेंशियल एसेट्स या सर्विसेज या जो लेबर होता है उसका आदान प्रदान रहता है। तो ये जो ओपन इकोनॉमी है इसके ये तीन कंपोनेंट है मार्केट के स्वरूप में, ठीक है। मतलब ये जो कंट्रीज है वो इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है पूरी दुनिया में, एक मतलब पूरी एक ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो फॉरेन, अभी हम बात करते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो इंडिया की एग्रीगेट डिमांड को कैसे, मतलब इंडिया की जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, उसको कैसे रिलेट करता है, उसको कैसे अफेक्ट करता है, उसका कनेक्शन क्या है। देखिए, जब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब इंपोर्ट मतलब हम अभी डिमांड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि जो हमारी जो करेंसी है, ठीक है, मतलब हमारी जो इनकम है, जो हमारा जो पैसा है वो फॉरेनर्स का प्रॉफिट होगा। मतलब जो हमने जो स्पेंड किया है वो हमारे फ्लो, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है उसमें से निकल जाएगा, ठीक है, लीक हो जाएगा ना, इसको हम बोलेंगे लीकेज हो गया, ठीक है। मतलब जो इंपोर्ट किया हमने, मान लो कि अमेरिका का जो कोई भी प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो हम उसके लिए पे करने वाले हैं, तो उसको पे करने से क्या होगा कि जो हमारा जो हमने जो स्पेंड किया जो भी मनी, वो फॉरेनर का इनकम हो गया, वो अमेरिका का इनकम हो गया, ठीक है। तो वो हमारी इनकम जो इतना जो जो भी हमने स्पेंडिंग किया जितने अमाउंट का इस इम्पोर्ट के लिए, वो फॉरेनर्स के लिए इनकम हो जाएगा, तो वो हमारी कंट्री का जो सर्कुलर फ्लो होगा इकोनॉमी की, ठीक है, उससे वो लीक हो जाएगा उतना जो भी हमने स्पेंड किया वो, ठीक है, मतलब वो हमारी इकोनॉमी से बाहर निकल गया। अब हम बात करते हैं सप्लाई साइड की, ठीक है। सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो जब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है हमारी कंट्री से, तो हमारी कंट्री की इनकम जो होती है वो राइज होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फॉरेन का जो प्रॉफिट होता है, फॉरेन करेंसी जो होती है वो इंडिया में इंजेक्ट होती है, मतलब इंडिया में आती है, एंटर करती है इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब जो जो इंडिया की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है ओवरऑल, ठीक है। वो इंपोर्ट में क्या हुआ था कि हमें स्पेंड करना पड़ा था, तो वो जो भी स्पेंडिंग हुआ वो हमारी जो हमारी जो इकोनॉमी थी उससे बाहर निकल गया वो जी वो स्पेंडिंग था। इसके विपरीत जो एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो इनकम बढ़ती है हमारी और जो भी पैसा आता है वो हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, मतलब जो सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का, उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब इंजेक्ट हो जाता है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड का जो हमारा इंडिया की डिमांड होती है उस पे मतलब इफेक्ट करता है कि अगर फॉरेन ट्रेड अगर इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर होगा, मतलब जो भी करेंसी होगी, जो फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, वो थोड़ी महंगी हो जाएगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा तो क्या होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमने बात की कि फॉरेन ट्रेड हमारी जो इंडिया की डिमांड है उस पर कैसे इफेक्ट करता है, और अब हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड जब भी होता है ना उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, जाहिर सी बात है मनी चाहिए होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंट्री को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीज को क्या करना करना पड़ेगा, मतलब वो अपनी करेंसी से तो वो ट्रेड नहीं कर सकते, उसको कोई स्टैंडर्ड करेंसी रखनी पड़ेगी। इसके लिए उनकी जो करेंसी होनी चाहिए वो कन्वर्टिबल होनी चाहिए, है ना,
वो कन्वर्टेबल होगी तब भी वो, मतलब अगर हम मानो कि हमारा रुपए को हम डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्या हम ट्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से मतलब जो भी इसके मतलब दो पहलू है जी फॉरेन ट्रेड को एनेबल करने के, कि पहले तो एबिलिटी होनी चाहिए, किसकी क्षमता होनी चाहिए कि करेंसी को कन्वर्टेबल बनाने की, ठीक है, और वो अनलिमिटेड अमाउंट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि ये जो उसका एक्सचेंज रेट है, मतलब दूसरा पहलू ये है कि उसका जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो भी मतलब वो जो एक्सचेंज रेट है, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसको वो कितना रहेगा दोनों करेंसी के बीच में, उस पर भी फोकस करना चाहिए, फोकस होना चाहिए दोनों कंट्री, दोनों जो भी मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं जो दोनों कंट्री उसका, ठीक है। चलिए, तो ये दो पहलू होते हैं फॉरेन ट्रेड के, कि मनी चाहिए तो मनी की कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए और उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा उस पर भी फोकस होना चाहिए। चलिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि करंटली क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि फॉरेन का एक्सचेंज रेट पे फोकस होना चाहिए और ये सब कैसे होता है, इसके लिए पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम काम करता है। और वो कैसे काम करता है कि उस पे मार्केट फोर्सेस जो है, मार्केट के जो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि डिमांड हो गया और सप्लाई हो गया, ठीक है, डॉलर का और जो करेंसी से उसका, उसके ऊपर निर्भर करता है ये जो एक्सचेंज रेट है वो, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, जो पहले क्या था कि पहले गोल्ड एसेट था, ठीक है, वो बाकी बाद में क्या हुआ कि गोल्ड अब एसेट नहीं रहा है, मतलब जो एक्सचेंज रेट है उसके लिए गोल्ड आज एसेट नहीं रहा है। गोल्ड का अपना मार्केट है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो एक्सचेंज रेट पे आज मतलब एसेट नहीं रहता, नहीं रहा आज, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये एक टर्म है कि जिसमें मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब गुड्स में ट्रांजेक्शन हुए, हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका को बेचा, अमेरिका ने अपना प्रोडक्ट अपने को बेचा, हमने हमारी सर्विसेज दी अमेरिका को, ठीक है, और दूसरे जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब मान लो गिफ्ट है, रेमिटेंसीज है, जो ग्रांट है, ठीक है, तो इन सब का जो भी जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह का मान लो ना कि एक हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का एक अकाउंट ही आप समझ सकते हो, ठीक है, मतलब कि उसमें सभी ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि कंट्री ने क्या मतलब पाया, कंट्री ने किया स्पेंड किया, कंट्री ने किया अर्न किया। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो देखिए, इसमें पहला होता है करंट अकाउंट, इसमें दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें पहले अकाउंट की, करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जो भी करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, ठीक है, और मान लो कि ट्रांजेक्शन हो गए, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, इसमें क्या क्या आता है ये भी मैं बताता हूँ। गुड्स में आपको बताऊं कि गुड्स जो होती है उसमें एक्सपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट का जो भी ट्रांजेक्शन है, इंपोर्ट का जो भी ट्रांजेक्शन है वो गुड्स में आता है। सर्विसेज में क्या आता है कि जो भी मतलब फैक्टर इनकम हो, ठीक है, फैक्टर इनकम के बाद नॉन फैक्टर इनकम हो, मतलब फैक्टर इनकम मतलब जो आपने मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, थीके? उसके ऊपर जो भी इनकम मिलती है, जैसे कि एम्प्लॉय को कंपेंसेशन मिल गया, दूसरा है नॉन फैक्टर इनकम। मतलब नॉन फैक्टर इनकम में मैं आपको बताऊं कि नॉन फैक्टर इनकम नॉन
नॉन फैक्टर में जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था किसी का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होती है जैसे कि डिविडेंड हो गया, मान लो कि मैंने अमेरिका की कंपनी का कोई शेयर खरीदा था, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब वो मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी मतलब जो करंट अकाउंट में उसका हिस्सा होगा। दूसरा आता है ट्रांसफर पेमेंट, मतलब ये एक फ्री वाला पेमेंट होता है, ठीक है, इसके लिए कोई गुड्स या सर्विसेज इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ में पैसा मिलता है, जैसे कि गिफ्ट हो गया, ठीक है, इसके लिए आप अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको सामने तो कुछ नहीं देना होता। दूसरा हो गया रेमिटेंस, जो हमारे भारतीय बाहर काम करते हैं, ठीक है, अमेरिका से डॉलर का जो कमा के है, जो इंडिया में उसका रुपी का कन्वर्जन करके मतलब भेजते हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आती है ग्रांट्स जो मिलती है हमारी कंट्री को, ये सब जो होता है एक फ्री वाला होता है, ठीक है, एक तरह से हमें इसका इस हमें कोई भी सर्विस भी नहीं देनी पड़ती उसके सामने, और कोई गुड्स भी नहीं देना पड़ता सामने। इस तरह का जो पेमेंट हुआ ये ट्रांसफर पेमेंट हो गया। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है और जो गुड्स और सर्विस का जो भी जो ट्रांजेक्शन रहता है विदेशों से, ये इन सबको हम करंट अकाउंट में शामिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या है कि कंट्री की जो एसेट और लायबिलिटी होती है उसमें चेंज जब होता है किसी भी ट्रांजेक्शन से, किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से, अगर कंट्री की एसेट और लायबिलिटीज जो है उसमें चेंज होता है, तब क्या होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, मतलब उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि मान लो कि इंडिया ने बाय किया जो अमेरिका की कंपनी है मतलब पूरी अमेरिका की कंपनी है वो इंडिया बाय कर लेता, वो क्या हो गया, वो इंडिया की एक एसेट हो गया वो इंडिया के लिए, ठीक है, मतलब इंडिया ने स्पेंड तो किया लेकिन ये जो कंपनी है वो भविष्य में उसको लाभ करवाएगी इंडिया को कमा के, ठीक है, अर्न करके, जैसे हमने वो रेवेन्यू रिसीट और जो भी जो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा था ना, उसी तरह से इसमें भी होता है कि जब इंडिया ने इंटरनेशनल एसेट कोई बाय कर लिया तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। उसी तरह से अगर मान लो कि इंडिया की कंपनी का कोई शेयर है वो किसी चाइनीज को बेच दिया, ठीक है, चाइनीज ने बोट कर लिया मतलब बाय कर लिया, तो वो भी मतलब एक एसेट हो गया, मतलब वो जो मतलब एक एसेट कम हो गया हमारी कंट्री का, ठीक है, शेयर बिक गया, तो ये भी जो जो ट्रांजेक्शन होगा वो जो मतलब ये भी जो ट्रांजेक्शन हुआ ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। और जो लायबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो कि मान लो कि ये मतलब एक्सटर्नल बोरोविंग्स है, मान लो कि लोन ले ली, आईएमएफ से लोन ले ली, मतलब उदाहरण के तौर पे आईएमएफ की लोन है तो वो हमें चुकानी पड़ेगी ना, भविष्य में चुकानी है हमें, वो जो आईएमएफ की लोन है वो हमें भविष्य में वापस चुकानी है आईएमएफ को ब्याज के साथ, तो एक तरह से वो हमारी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज कर दी इंडिया की, तो इसको बोलते हैं हम जो मतलब इसका जो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको बोलते हैं हम जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा एफडीआई हो गया, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, एफआईआई हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो असिस्टेंस आता है ग्रांटिंग एड्स जो होती है उन सबको, मतलब ये लायबिलिटी क्यों होती है कि उन सबको हमें वापस चुकाना पड़ता है, जिसने भी इन्वेस्ट किया है उन सबको हमें वापस चुकाना पड़ता है, ठीक है, हमारी कंट्री का एक लायबिलिटी बढ़ जाता है। तो इन सब का जो मतलब जो एफडीआई है, एफआईआई है, असिस्टेंस है, मतलब एक्सटर्नल बोरोविंग्स है, ये सब किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बैलेंस की, जो हमने बैलेंस देखा था ना वो रेवेन्यू और जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उन सब का बैलेंस देखा था, इसमें भी बैलेंस आता है। अब हम करंट जो अकाउंट है उसके बैलेंस की बात करते हैं, अब मान लो कि हमारा जो हम मोटे मोटे तौर पे हमें आपको बताऊं कि अगर जो भी हमारा रिसीट है, ठीक है, वो इक्वल है हमारा एक्सपेंडिचर से तो बैलेंस में है, ठीक है, अगर रिसीट है हमारा जो मतलब जो भी हम कमाते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी कंट्री में आता है, जो जितना ज्यादा पैसा आता है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे सरप्लस करंट अकाउंट,
अगर रिसीट जो है हमारी कंट्री का, मतलब जो इनकम है वो कम है एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेफिसिट, डेफिसिट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट हम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह हम बैलेंस देखें कैपिटल का, उसी में भी यही आता है कि अगर रिसीट है वो एक्सपेंडिचर जितना ही है तो वो बैलेंस है हमारा कैपिटल अकाउंट, और जो रिसीट है हमारा वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो सरप्लस कैपिटल अकाउंट हो गया, और रिसीट जो है हमारा वो एक्सपेंडिचर से कम है तो इसका मतलब ये हो गया डेफिसिट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो मतलब ओवरऑल जो ये जो टर्म आती है कि सरप्लस डेफिसिट और बैलेंस, तो इसका इस तरह से रहता है कि वो रेवेन्यू और जो हमारी मतलब इनकम होती है और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है उस पर निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बैलेंस जो है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ जो करंट अकाउंट है उसके दो कंपोनेंट है, पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ये इनविजिबल वर्ड क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो गुड्स का आता है ना, जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इसका जो भी बैलेंस रहता है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो ट्रेड सरप्लस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, और एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से कम हुआ तो बैलेंस डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं कहूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इस पे निर्भर करता है। मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होता है, फिजिकल प्रोडक्ट का, ये इनविजिबल नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है वो इनविजिबल नहीं है। मान लो कि हमने इंडिया ने टी शर्ट एक्सपोर्ट की अमेरिका को, तो मतलब ये फिजिकल प्रोडक्ट है ना टी शर्ट जो है वो, ठीक है, इस तरह से। और बाद में जो आता है जो वो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इसमें क्या आता है कि जो मतलब फिजिकल प्रोडक्ट का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है, इसमें सर्विसेज आती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जो बैलेंस ऑफ जो मेडिकल टूरिज्म है हमारी कंट्री में, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मतलब हमारी कंट्री में पोटेंशियल है। दूसरा मान लो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडिया ने जो जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो उसकी वो प्रोवाइड की विदेशों को, ठीक है। तो मतलब ये जो सर्विसेज आती है इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विसेज है, ठीक है, तो ये एक तरह से इनविजिबल होती है, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है, मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल में। मतलब इसमें भी अगर जो जो इनकम होती है हमारी, वो जो हम जो मतलब सर्विसेज जो मतलब विदेशों से जो इनकम आती है और हम जो स्पेंड करते हैं विदेशों को, विदेशों के ऊपर, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस में रहते हैं, ठीक है, वरना या तो सरप्लस हो जाता है, जो ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल होता है वो या तो सरप्लस हो जाता है या तो डेफिसिट में आ जाता है। चलिए तो ये अब हमने देखा कि बीओपी का जो बैलेंस था, ठीक है, कि करंट अकाउंट उसमें था बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, और जो कैपिटल था कैपिटल अकाउंट उसका भी जो कंपोनेंट था बीओपी में। उसके बाद हम बात करें कि बीओपी का बैलेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो कोई भी कंट्री किस तरह से कंपेंसेट करता है कि जो कैपिटल अकाउंट का जो इनकम है उसका, उससे वो कंपेंसेट करता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो है उसमें से वो स्पेंड कर देता है इसके ऊपर। मैं आपको उदाहरण के तौर पे भी दिखाता हूं
मतलब इसको हम कहे कि करंट जो अकाउंट है प्लस कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन है वो ओवरऑल जीरो रहता है, ठीक है। मतलब जो करंट अकाउंट में जितना ट्रांजेक्शन हुआ इसमें जो भी कमी आ गई वो कैपिटल अकाउंट में से इसको ट्रांजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से जो टोटल अकाउंट रहता है, ठीक है, वो जीरो जीरो रहता है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब इसमें हमारा जो फॉरेन रिजर्व बोलते हैं हम, तो हमारी कंट्री के पास फॉरेक्स होता है, ठीक है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब हमारी जो जो भी मतलब कैपिटल का इनकम हुआ वो करंट अकाउंट की जो डेफिसिट है उसमें डाल दिया, डाइवर्ट कर दिया। मतलब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कोई भी कमी नहीं आई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाऊं कि मान लो कि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का है, हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, ठीक है, और हमने इंपोर्ट किया, मान लो कि हमने इंपोर्ट किया 2000 रुपए का। हमें पता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से। अब मान लो बाकी की जो फैक्टर इनकम है, नॉन फैक्टर इनकम है, और जो भी ट्रांसफर पेमेंट से हमारी कंट्री का, ये कुल मिलाकर हमारी कंट्री में 400 रुपये। ये सब किसकी बात है? ये करंट अकाउंट की, ठीक है। चलिए अब मान लो कि कैपिटल अकाउंट की बात करें हम, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें कि मान लो एफडीआई हुआ हमारी कंट्री में 100 रुपये, मान लो कि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ 200 रुपये, और जो इंडिया ने क्या किया कि अपनी जो एनटीपीसी है उसको बेच दिया, कितने रुपए में बिका? 700 रुपये में, मान लो। और जो इंडिया ने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से लोन ली 700 रुपए की, ठीक है। तो ये जो आए एफडीआई और जो एफआईआई है, जो ये जो एनटीपीसी था वो हमारा एसेट था, ठीक है, वो बिक गया हमारा, तो इस तरह से हमें 700 रुपये मिले, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। जो लोन है उसने हमारी लायबिलिटी बढ़ा दी, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो 700 रुपये की लोन ली, ठीक है। तो टोटल कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन कितना हुआ? 100 और 200, 300, 300 और ये जो 7 और 7 है 1400, तो टोटल 1700 का हमारा कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। और करंट अकाउंट में देखिए, करंट अकाउंट में क्या हुआ कि जो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, 100 रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ हमारा 2000 रुपए का इंपोर्ट किया हमने, उसके सामने जो भी नेट हमारी इनकम होगी वो क्या होगी? 400 रुपया ये इनकम हुई। तो इसका टोटल ट्रांजेक्शन क्या हुआ? इसका टोटल ट्रांजेक्शन हुआ जो मतलब ये 100 रुपए का इनकम था और ये 400 रुपए का इनकम था, ये 2000 तो हमने चुकाना पड़ा, तो ये जो कितना हुआ 1500 रुपए का डेफिसिट हो गया, ठीक। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे 500 रुपए का इनकम हुआ इसमें, ये जो करंट अकाउंट था उसमें 2000 रुपए का स्पेंड किया हमने किसमें? करंट अकाउंट में, ठीक है। हमने जो 2000 का जो इंपोर्ट किया हमने 2000 रुपए का, तो हमें 2000 रुपए चुकाने पड़े ना, इसलिए ये स्पेंडिंग हुआ। और बाद में जो 1700 रुपए का हमने टोटल इनकम कैसे हुआ? कैपिटल में से, ठीक है। अब ये जो 2000 रुपए थे, ठीक है, 500 रुपए की इनकम तो हो गई, तो इसके सामने 2000 रुपए का स्पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 1500 रुपया डेफिसिट हुआ, ये 1500 रुपया डेफिसिट हुआ, ठीक है। मतलब 1500 रुपया अब कहां से चुकाना पड़ेगा? ये जो कैपिटल इनकम है उसमें से चुका दिया, तो अब बाद में कितना बचा? 200 रुपया जो बचा, ठीक है, 200 रुपया अब कैपिटल में बच गया। मतलब ओवरऑल जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, इसमें कहीं पे भी रोल प्ले नहीं किया इसने, ठीक है। मतलब जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो उतना ही बना रहा है, ये ना तो कम हुआ ये ना तो ज्यादा हुआ, हमारी जो भी कैपिटल और करंट जो भी अकाउंट थे उसमें से ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, और बाकी में 200 रुपए भी बचे हमारे। तो ये मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब वो बैलेंस है, ठीक है। मतलब जो भी हमारी जो कैपिटल है, जो करंट इनकम है, जो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, वो दोनों बैलेंस में है अभी। अब मान लो सपोज
एनटीपीसी का इनकम हुआ था हमें 700 रुपया, अब वो मान लो कि 300 रुपया ही हुआ, ठीक है, मान लो कि 300 रुपया ही हुआ, ना कि 700, 700 नहीं हुआ मान लो, ठीक है। तब क्या होगा कि नेट जो कैपिटल होगा हमारा, नेट कैपिटल जो अकाउंट होगा वो कितना होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कितना रहेगा, अब पहले 1700 था, अब 400 रुपया कम हो गया, तो अब कितना बचेगा, 1300 रुपया ही बचेगा, ठीक है। और हमारा डेफिसिट कितना था, डेफिसिट करंट अकाउंट कितना था, 1500 रुपया। तो अब इसमें कैपिटल अकाउंट में से 1500 को हमें देना है केवल जो करंट में, लेकिन इसमें अभी 200 रुपये कम है, ठीक है। अब ये इसमें भी 200 रुपये कम पड़ गए कैपिटल में से, तब क्या करेंगे हम, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारी कंट्री का, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है जो आरबीआई मेंटेन करती है, उसमें से 200 रुपये निकल के दे देंगे। वो मतलब फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा ना, 200 रुपये उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हुई, ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल, ठीक, ऑफिशियल रिजर्व सेल बोलते हैं हम इसको, इस प्रोसेस को, ठीक है। जो 200 रुपये का कमी आया हमारी जो, ठीक है, उसको मतलब, और जो ये डिक्रीज हुआ, 200 रुपये का डिक्रीज हुआ, इसको हम बोलेंगे ऑफिशियल ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है। ये जो 200 रुपये का डिक्रीज हुआ उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल ओवरऑल बीओपी डेफिसिट। चलिए, इसमें मतलब आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, प्रीलिम्स में ये जो करंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट था हमारा, जो पिछले लेक्चर में आया था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन तो आ चुका है, आपको पता है, आपने देखा था, मैंने आपको उदाहरण उदाहरण के रूप में दिखाया भी था, ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन सोल्व भी किया था। इसी तरह इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसमें से। अब इसके हम एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये ट्रांजेक्शन में एक ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है, ये जो ट्रांजेक्शन आता है, ठीक है, जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में से जो ट्रांजेक्शन होता है, उसमें एक कंपोनेंट होता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन मतलब ये बीओपी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये बीओपी से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वो 200 रुपया बचा था ना, ये मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो 200 रुपया बचा था, जो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था कि एनसी एंड जो हमारा कैपिटल अकाउंट में से अगर हम करंट अकाउंट पे की जो 1500 रुपये की डेफिसिट है उसको कंपेंसेट कर दे, उसके बाद भी 200 रुपया बचा हमारा, तो ये जो 200 रुपया है वो बीओपी से इंडिपेंडेंट हो गया, वो हम जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं, ये जो 200 रुपये उसको, ठीक है। तो इसका जो मतलब यूजेज है हमारा, जो 200 रुपये का, वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ना, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज करने के लिए वो 1500 रुपये तो वो डेफिसिट को कम्पेंसेट करने के लिए हो गया, तो ये जो बाकी 200 रुपया बचा उसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो 200 रुपया है इसका जो जो भी ट्रांजेक्शन बोलेंगे करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है अकोमोड, जो उसके मतलब जो दूसरा ट्रांजेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये डिपेंड करता है, मतलब जो बीओपी को कंपेंसेट करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। जैसे जो ऑफिशियल रिजर्व सेल था, जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व सेल किया हमने, ठीक है, वो हो गया अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो 200 रुपये का कम पड़ रहा था, 200 रुपये डेफिसिट थी, उसको हमने कहाँ से जो उसको हमने कहाँ से जो कंपेंसेट किया, वो किया हमने फोरेक्स में से हमारे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, वो डिपेंडेंट होता है बीओपी पे। चलिए, इसके बाद एक तीसरा कंपोनेंट आता है बीओपी का, ये है जो एरर होती है और ओमिशंस होते हैं, ई एन ओ, जो ओ एन ई हम बोलते हैं ना, वो ये क्या होता है, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेशनल, वो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं,
तो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, तो उनको मेजर करना, एक्यूरेटली मेजर करना हर बार पॉसिबल नहीं होता, हर बार पॉसिबल ये नहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मतलब ये जो एरर और ये जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें जो एरर और ओमिशन का मतलब थोड़ा सा रेंज दिया जाता है कि इतना एरर और ओमिशन चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये तीसरा कंपोनेंट होता है इसका। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। ठीक है, मतलब ये जो पूरा जो नेशनल करेंसीज होती है, वो कन्वर्ट की जाती है, वो जहां पे कन्वर्ट की जाती है, मतलब जो नेशनल करेंसीज होती है वो जहां पे कन्वर्ट की जाती है उसको हम बोलते हैं नेशनल, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है जो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए, अब ये मतलब ये टेक्निकलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब जो रेट होता है वो कैसे मतलब वो डिटरमाइन होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करेगा, तो इसके ऊपर से मतलब जो हमारा रेट होता है, जैसे कि डॉलर का रेट होता है, रुपये रुपया मतलब रुपये और डॉलर का रेट होता है, वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। अब डिमांड जो होती है, पहले हम डिमांड साइड की पे बात करें, डिमांड कब बढ़ती है, जब लोग डिमांड बढ़ते हैं तब क्या होता है कि इम्पोर्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो मतलब पीपल बाय करना चाहिए, पीपल वॉन्ट टू बाय, फॉरेन के जो गुड्स है वो पीपल बाय करना चाहते हैं, मतलब इंडिया के लोगों को एप्पल का फोन बहुत पसंद है तो वो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, अमेरिका से, इस तरह से। तो मतलब इसका अगर जब भी मतलब जो जो फॉरेन का गुड्स का जब जो इंपोर्ट बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जो फॉरेन की करेंसी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसकी डिमांड अब बढ़ेगी, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड जब बढ़ेगी तो वो महंगी हो जाएगी। तो मतलब 1 डॉलर पे पहले 50 रुपए का डॉलर था, तो वो अब हो जाएगा 1 डॉलर से 55 रुपया। इसको बोलते हैं हम डॉलर महंगा होना, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। देखिए, ठीक है, जब डिमांड बढ़ जाती है, मतलब जब डिमांड बढ़ती है डॉलर की, ठीक है, मतलब किसी भी फॉरेन करेंसी की, तब क्या होता है रुपी डेप्रिसिएट होता है। ठीक है, मतलब जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, तब इसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं, जो जो भी फॉरेन की करेंसी हो उसके बारे सब करेंसी आ जाती है, कि मतलब ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे निर्भर करता है कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो रुपी का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में दो टर्म भी आती है, डिवेल्यूएशन और रिवेल्यूएशन, वो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सप्लाई साइड की। मान लो कि एक्सपोर्ट जब बढ़ता है किसी भी कंट्री का, तब क्या होता है कि उस कंट्री की करेंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, वो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेनर क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। जब फॉरेनर उसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, मतलब जो फॉरेन का फॉरेनर्स जब कंज्यूम ज्यादा करते हैं, मतलब जो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो हमारी जो करेंसी होगी वो एप्रिसिएट होगी। पहले क्या हुआ था, इंपोर्ट बढ़ गया तो डिप्रिसिएट होती थी, अब क्या होगा, एप्रिसिएट होगी। कि पहले अगर 1 डॉलर के हिसाब से 50 रुपया था, तो एप्रिसिएट होने के बाद क्या होगा कि 1 डॉलर इज इक्वल टू 45 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कि जब किसी भी कंट्री के अपने एक्सपोर्ट बढ़ते हैं विदेशों के सामने, तो क्या होता है कि उसकी अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो एप्रिशिएट होती है। ठीक है, चलिए, ये आपको सेंटेंस के रूप में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए,
अब हम बात करते हैं इसके डिटर्मिनेशन की, ये डिटरमाइन कैसे होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो डिटरमाइन कैसे होता है। पहला आता है जो इसमें जो जो थी कंसेप्ट आता है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है वो अभी चल रहा है मार्केट में, मतलब आप देखते हो हर रोज डॉलर का और रुपी का जो, मतलब डॉलर का और रुपी के सामने जो चेंजेस होता है, ठीक है, मतलब डॉलर जो स्टर्लिंग पाउंड भी है उसका रुपी के सामने चेंजेस रहता है, रुपी मतलब चेंज करता है पाउंड के सामने, डॉलर के सामने, युआन के सामने, इन सब के सामने, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। इसका मतलब हम ग्राफ के रूप में देखते हैं, चलिए कि मान लो ये पहला ग्राफ है, इसमें है अमाउंट ऑफ डॉलर्स, मतलब नंबर ऑफ डॉलर्स, अमाउंट ऑफ डॉलर्स। अब यहां है हमारा एक्सचेंज रेट रुपी पर डॉलर। अब क्या होता है कि जैसे जैसे रुपीस पर डॉलर का जो अमाउंट है, मतलब मान लो कि यहाँ पे 50 रुपया है, यहाँ पे 20 रुपया है। अब मान लो कि आज 50 रुपीस पर डॉलर है, ठीक है, तो लोगों के पास कम अमाउंट ऑफ डॉलर रहेंगे क्योंकि डॉलर महंगा है। जैसे जैसे रुपी कम होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि डॉलर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, लोग ज्यादा डॉलर रखने लगेंगे। 220 रुपए का डॉलर होगा तो वो मतलब जो लोग जो अमाउंट ऑफ डॉलर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जो 50 रुपए के अगर हमारी कंट्री में 20 डॉलर है, ठीक है, 20 हमारी कंट्री में 20 डॉलर है, टोटल कितने होंगे 1000 रुपए। अगर मान लो अभी 1000 रुपए ही है और उसका रेट हो गया 20 रुपीज पर डॉलर, तो कितना अमाउंट हो जाएगा डॉलर का, 50 डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डॉलर हो जाएंगे, पहले 20 डॉलर थे ओवरऑल, ठीक है। अब क्या होगा कि सप्लाई साइड की बात करें हम, ठीक है, डॉलर की सप्लाई की बात करें, तो जैसे जैसे डॉलर का मतलब रूपी का जो जैसे जैसे बढ़ता है वो जैसे वैसे वैसे डॉलर की सप्लाई बढ़ती रहती है ना, क्योंकि जैसे जैसे मतलब डॉलर डॉलर के सामने रूपी डेप्रिशिएट होता है ना, ये कितना पहले कितना था रुपीस, 20 रुपीस पर डॉलर था, अब क्या हो गया 50 रुपीस पर डॉलर हो गया, तो क्या हुआ कि ये डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट होने हमारा रूपी डेप्रिशिएट होने से क्या होता है कि डॉलर जो मतलब जो डॉलर होता है वो यूएस के लिए चीप हो जाता है, तो यूएस के लिए जब डॉलर चीप हो जाएगा तो क्या होगा कि डॉलर की वो सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब वो मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइन, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं इसको कि जब डॉलर चीप होगा तो डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो इन दोनों डिमांड और सप्लाई का जो ये ग्राफ है उसके बीच एक इक्विलिब्रियम होता है कि जितना अमाउंट ऑफ डॉलर है हमारी कंट्री में उतना ही अमाउंट का जो रुपी पर मतलब जो रुपी पर डॉलर इतना ही रेट रहता है, इसको हम बोलते हैं एक मतलब ये मान लो कि ये एक रेट है, उसके सामने जो भी अमाउंट है ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इसके सामने मान लो कि जो डिमांड बढ़ गई उसके सामने जो सप्लाई है, ठीक है, मान लो कि इतना रेट हो गया डिमांड का, ठीक है, उसके सामने जो सब, इसके बारे में भी हम बोलेंगे, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल इसलिए रहता है कि एक कम होता है, ठीक है, और दूसरा जो बढ़ता है। अब मान लो कि हमारी कंट्री में जो जो डॉलर है, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये जो शिफ्ट हो गया लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो डिमांड लाइन है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ गई हमारी कंट्री में डॉलर की, ठीक है, मान लो कि लोग ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, हमारी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करने लगी, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि ये जो नया रेट आ जाएगा, ठीक है, ये जो पहला रेट था, मान लो कि पहला रेट था 30 रुपया, जो नया रेट आ जाएगा वो हो जाएगा 35 रुपया पर डॉलर। तो मतलब डेप्रिशिएट हो ना, अगर ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर इंपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, मतलब जो फॉरेन करेंसी थी उसका डिमांड बढ़ गया, तो क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, पहले 30 रुपया था अब 35 रुपया पर डॉलर हो गया, और जो डॉलर का अमाउंट हो गया वो भी बढ़ जाएगा। चलिए अब उसी पे बात करें कि अगर मान लो कि जो डॉलर का जो 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 मतलब डॉलर जो है वो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो सप्लाई से इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ये रुपीस पर डॉलर है, ये है अमाउंट ऑफ डॉलर। अब डिमांड कम हो गया मान लो, तो वो क्या होगा शिफ्ट करेगा जो लेफ्ट साइड, तो पहले 30 रुपया था, अब कितना हो जाएगा, मान लो कि अब हो गया 25 रुपया पर डॉलर, ठीक है,
तो मतलब ये इक्विलिब्रियम चेंज होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये चेंज कर रहा है, ये फ्लेक्सिबल है, ये मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइन होता है। अब हम इसमें से ये सीखना था आपको कि मान लो कि डिमांड बढ़ गई डॉलर की, तो डॉलर महंगा होता है और हमारा रुपया रुपया जो है वो डेप्रिसिएट होता है, और जब डॉलर की डिमांड कम होती है तो हमारा रुपया जो है वो एप्रिसिएट करता है, ठीक है, और डॉलर जो होता है वो उसके सामने चीप बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव, एक फोर्स आता है स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन मतलब एक हम कह सकते हैं कि विचार करना, ठीक है, मतलब हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि ऐसे ऐसे भविष्य में होने वाला है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो मान लो कि इन्वेस्टर्स है वो मान लो कि आज 80 रुपया इज इक्वल टू 1 पाउंड है, और इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि 1 ईयर में, 1 ईयर में क्या होगा कि 85 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इन्वेस्टर आज 1,000 पाउंड लेके रख देंगे, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो एक साल के आज उनको कितना चुकाना पड़ेगा इसके लिए, 80,000 रुपया, और एक साल के बाद क्या होगा उनको 85,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसी संभावना है, ठीक है। तो वो इस तरह से करने, वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ऐसा मतलब उनको 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा 5 मतलब 1 साल के बाद। तो वो मतलब ये स्पेक्यूलेटिव डिमांड हो गई कि मतलब इतना ऐसा विचार करने से क्या होगा कि पाउंड की डिमांड बढ़ जाएगी, इस तरह से पाउंड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ कि हमारा जो ये इंक्रीज होने से क्या हुआ, ये स्पेक्यूलेटिव डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि रियल में ये जो पाउंड है उसका 80 रुपये से 85 रुपीज रेट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो रियल में ऐसा हो जाता है। पहले क्या था, वो स्पेक्यूलेशन था, ये ऐसा हो सकता है, और उसे ऐसा हो सकता है ऐसी आर्टिफिशियल डिमांड से वो रियली में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो इसको बाय करने लगते हैं पाउंड को, ठीक है, वो मतलब वो रियल में ऐसा कन्वर्ट होने लगता है, रियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड। अब उसके बाद में जो आता है वो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होता है वो एक कंपोनेंट, मतलब वो उसका मतलब ये भी एक डिटर्मिनेशन फैक्टर रहता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करता है कैसे, मतलब इसका जो मतलब जो जो इनकम जो इंटरेस्ट रेट का है वो हम देखें तो इसका ये लीनियर नहीं है, ठीक है, ये लीनियर नहीं है, ये डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि मान लो कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री ए का इंटरेस्ट रेट है 8%, कंट्री बी का इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। तो कंट्री बी का इंटरेस्ट रेट 10% है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो ए कंट्री के लोग है वो बी की करेंसी, करेंसी बी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब करेंसी बी की जो डिमांड है वो बढ़ गई तो करेंसी जो ए है, करेंसी ए है वो डेप्रिसिएट होने लगेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे इसकी करेंसी की कम जो मतलब जो इसकी जो डिमांड होगी वो कम होगी, और जो करेंसी बी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये करेंसी मतलब ये ए कंट्री वाले को बी कंट्री में अब निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये भी एक तरह से हम कहें तो निर्भर मतलब रोल प्ले करता है किसमें, कि ये जो डिटरमाइन, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि ये जो इम्पोर्ट है, ठीक है, मान लो कि इनके इसका इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया, तो हमने इंटरेस्ट रेट की भी बात की कि इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है अगर वो ज्यादा होता है तो वो उस कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी करेंसी जो होती है वो एप्रिसिएट करती है। उसके बाद आता है जो एक, इसके बाद जो कंपोनेंट है इनकम का कंपोनेंट आता है, ठीक है, जो लोगों की इनकम होती है किसी भी कंट्री के वो भी कभी कभी डिटरमाइन करती है, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हर बार वो जो इनकम का जो रिलेशन होता है वो एक तरह से हम देखें तो वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इनकम का जो रिलेशन है एक्सचेंज रेट से वो डिटरमाइन नहीं है एक तरह से, कि मान लो कि जो इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशन था, ठीक है,
जो इंटरेस्ट रेट का रिलेशन था, फ्लेक्सिबल जो स्पेक्युलेटिव जो रिलेशन था, वो सब तो मतलब डिटरमेंट होता है कि अगर वो स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ गई तो वो उस कंट्री की जो करेंसी है उसको एप्रिसिएट करेगा ही करेगा। इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का बढ़ गया तो वो भी उसकी करेंसी को एप्रिसिएट करेगा ही करेगा, लेकिन इनकम में ऐसा नहीं होता है। देखिए, इनकम अगर बढ़ती है लोगों की तो डिमांड तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये डिमांड बढ़ गई तो वो इम्पोर्ट करेगा भी या भी नहीं भी करेगा, इम्पोर्ट हो भी सकता है वो या नहीं भी हो सकता है, इम्पोर्ट नहीं भी करेंगे वो, उनकी मर्जी, इम्पोर्ट नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो इनकम बढ़ गई तो वो अगर वो सेविंग करने लगे तो क्या हुआ, डिमांड नहीं भी बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर इनकम बढ़ती है और वो लोग इम्पोर्ट ज्यादा करने लगते हैं, ठीक है, मतलब इनकम बढ़ने के बाद अगर वो उनकी डिमांड बढ़ती है तो ही ये जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होगा, वरना एक्सचेंज रेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि जो इनकम का रिलेशन है, जो इनकम है और एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो मतलब इंक्रीज हो या ना भी हो, मे और मे नॉट, ठीक है। अगर इनकम इनकम बढ़ तो गई, लेकिन अगर लोग सेविंग ज्यादा करने लगे वो डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर सेविंग ही ज्यादा करने लगे तो क्या होगा कि उसका एक्सचेंज रेट में ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब डिमांड जब चेंज होती है तभी एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, वरना एक्सचेंज रेट में चेंज नहीं होता। तो इनकम का ये पहलू होता है कि वो कॉन्स्टेंट, मतलब वो डिटरमाइन नहीं होता। इनकम जब बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि एक्सचेंज रेट में चेंज आए, ठीक है, मतलब वो दूसरे जो कॉम्पोनेंट थे उसके हिसाब से नहीं होता। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सचेंज की। मतलब इसका एक साइकिल चलता है, देखिए कि मान लो कि यूएस में एक शर्ट की कीमत है 8 डॉलर, एक शर्ट की कीमत है, उसी उसी शर्ट की कीमत इंडिया में 400 रुपया है, तो थियोरिटिकली क्या है कि 50 रुपया पर डॉलर हुआ, है ना। अब मान लो कि इंडिया में, अब यूएस में इस शर्ट की कीमत हो गई, मान लो कि मतलब यूएस में इस शर्ट की कीमत बढ़कर हो गई कि 12 डॉलर, ठीक है, और इंडिया में हो गई 480 डॉलर, 480 रुपया, ठीक है। अब क्या हो गया, नया रेट, नया रेट क्या हो गया, अब 40 रुपया पर डॉलर हो गया। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये एक्सचेंज रेट होता है, इस तरह से चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं ये जो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसकी। पहले क्या था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा, अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट मतलब फिक्स करती है ये जो रेट होता है उसको। चलिए इसको हम ग्राफ के रूप से समझते हैं। ये जो ग्राफ था डिमांड और सप्लाई का, मान लो कि पहले थी 50 रुपया पर डॉलर कीमत जो थी, यहां पे डॉलर अमाउंट, अब गवर्नमेंट ने तय कर दिया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 17 रुपया पर डॉलर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डिमांड होगी वो कम हो गई और जो सप्लाई है वो बढ़ गई। जो एक्सेस सप्लाई थी हमारी कंट्री में, अब ये जो सप्लाई दिखा रही है ये एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इंपोर्ट है, जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई था। अब क्या हुआ कि इतनी जो सप्लाई है डॉलर जो है हमारी कंट्री में बढ़ गया, ठीक है। और अगर अगर जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने तय किया कि वो करेंगे 30 रुपया पर डॉलर, है ना, तब क्या होगा कि डिमांड जो है, ठीक है, वो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी और जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई, ये जो सप्लाई है कम हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डिमांड है वो क्या, जो डिमांड है वो कम हो गई और सप्लाई है वो ज्यादा हो गई। तो मतलब जब जो गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करती है, जो फिक्स्ड रेट, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो जाता है, ठीक है, तब गवर्नमेंट जब जब इंटरवेंशन करती है तो ये भी एक पद्धति है कि गवर्नमेंट अपनी तरह से मतलब अपनी तरह से रेट फिक्स कर दे। कि पहले क्या था कि 50 रुपया था पर डॉलर, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 17 रुपया पर डॉलर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम गवर्नमेंट के रूप, इस पे मार्केट फोर्सेस अभी मार्केट फोर्सेस से ये डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के द्वारा।
तो इसको हम बोलेंगे डिवेल्यूएशन। चाइना ने किया था, आपको आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट 50 रुपीज पर यूएस डॉलर से कर देती है 30 रुपीज पर यूएस डॉलर, इसको हम बोलते हैं रिवेल्यूएशन, है ना। इसको हम बोलते हैं रिवेल्यूएशन, मतलब ये गवर्नमेंट जब करती है इसके इसके रेट में जब चेंजेस करती है, इसको हम बोलते हैं डिवेल्यूएशन और रिवेल्यूएशन। चलिए, अब हम ये जो फिक्स्ड सिस्टम है और जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ते हैं, है ना। फिक्स्ड सिस्टम में एक एलिमेंट क्या है, फिक्स्ड सिस्टम का एक यूनिक एलिमेंट है, फिक्स्ड सिस्टम का एक यूनिक एलिमेंट हम कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसको जो भी जो जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब ये जो गवर्नमेंट है जो रेट है, ठीक है, जो फिक्स्ड रेट है वो मेंटेन कर सकनी चाहिए, ठीक है, वो मेंटेन करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लो, अगर सपोज डेफिसिट बहुत बढ़ गया, डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ये एक्सचेंज रेट मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये फिक्स्ड, मतलब जो उसमें डेफिसिट भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सरप्लस भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और जब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, जब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, तब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन राइज होते हैं, लोग स्पेक्यूलेट करने लगते हैं, मतलब लोगों में डर आ जाता है कि अगर मान लो कि उनकी करेंसी अब इतनी मतलब डेफिसिट इतनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तब क्या होगा कि इन्फ्लेशन राइज होने लगेगा, उनकी करेंसी का मतलब डिवेल्यूएशन होने लगेगा, डेप्रिसिएशन होने लगेगा, तो लोग स्पेक्यूलेट करने लगते हैं और फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। इसको, ये जो स्पेक्यूलेशन आता है जो करेंसी में, उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन अटैक। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन अटैक ऑन करेंसी, मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो कीमत है वो, और मतलब जो उसका एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये एक डीमेरिट रहता है इसका, तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसका। उसी के विपरीत हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि इसका जो बेनिफिट होगा क्या है, रहता है कि लार्ज फॉरेक्स रिजर्व की कोई जरूरत नहीं रहती, लार्ज फॉरेक्स की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो तो मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जो रेट होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज का जो एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट होता है, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है उसी पे निर्भर करता है, ठीक है, उसी पे ये डिपेंड करेगा। तो ये ऑटोमेटिक इसमें, मतलब ये जो, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट के हिसाब से ही ये जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है, उसकी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। मतलब कंट्री को कोई लार्ज फॉरेक्स रिजर्व रखने की जरूरत नहीं रहती है। चलिए, इसके बाद आता है एक नया कंसेप्ट, अब कंट्री क्या एडोप्ट करी है, जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट पे आती है, फ्लोटिंग पे आ रही है, मैनेज्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो फिक्स करती है, मतलब टाइम टाइम पे वो क्या करती है, चेंज करती रहती है, चेंज करती है, फिक्स नहीं बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे चेंज करती है एक्सचेंज रेट को।
ठीक है, समय समय आने पर वो अपनी जैसे भी अपनी जो मतलब अर्थव्यवस्था की जो भी स्थिति हो उसके हिसाब से, मतलब हर बार वो चेंज नहीं करती, वो मतलब जरूरत पड़ने पर ही सेंट्रल बैंक जो होती है वो इंटरवेंट करती है, बाकी वो मार्केट फोर्सेस के अनुसार ही जो भी जो एक्सचेंज रेट होता है वो चलता है। लेकिन अब बहुत ही बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई मान लो कि इंडिया में, तब आरबीआई क्या करेगी, इंटरवेंट करेंगी और अपने हिसाब से ये जो एक्सचेंज रेट है उसको तय करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट है, उसकी हिस्ट्री की। सबसे पहला आया था गोल्ड स्टैंडर्ड जो 1870 और 1914 तक, मतलब जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तब तक क्या हुआ था कि गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहे थे। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है ये गोल्ड स्टैंडर्ड का, ये मैं आपको बताता हूं कि जो पूरी दुनिया की करेंसी थी, ऑल करेंसीज, वो कन्वर्टिबल थी किसमें, गोल्ड में। ठीक है, मतलब इसका कोई रेट होता होगा जैसे कि $1 इज इक्वल टू इतना, मतलब पर डॉलर कितना गोल्ड उसमें कन्वर्ट हो सकता है, पर फ्रांक कितना कन्वर्ट हो सकता है, पर येन कितना कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड से करेंसी होती थी तो इस तरह से क्या होता था कि जो दूसरी करेंसी थी वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो कि $35 इज इक्वल टू 1 franc है, 1 ounce ऑफ गोल्ड, और मान लो कि $5 5 franc इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। ठीक है, सभी करेंसी गोल्ड में तो कन्वर्टेबल थी तो सभी करेंसी गोल्ड में अब हम बता सकते हैं, तो ये दोनों 1 ounce ऑफ गोल्ड हो गया, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा कि 1 franc इज इक्वल टू $7 हो गया ना, ये करेंसी का जो भी करेंसी का कन्वर्जन हुआ। ठीक है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में ये मतलब यूज होता था, जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड था वो बीच में यूज होता था। चलिए, अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, ये भी मैं आपको बताता हूं अभी। अब इसकी जो लिमिटेशंस थी मैं आपको बताता हूं कि देखिए कि गोल्ड क्या है वो डिस्कवरी पे निर्भर करता है। मतलब जो एक्सचेंज रेट था वो इसकी डिस्कवरी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, ये डिपेंडेंट था कि कितना ज्यादा गोल्ड मिलता है किस देश की जमीन में से। ठीक है, उस पर ये सब कुछ निर्भर करता है। अगर गोल्ड ज्यादा नहीं मिला तो जो ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है इस तरह से। ठीक है, तो मतलब इसको मतलब तो मान लो कि अगर आउटपुट बढ़ गया किसी भी कंट्री का, ठीक है, इंटरनेशनल आउटपुट बढ़ा 4%, तो गोल्ड भी जो है गोल्ड का आउटपुट भी 4% बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो नेचुरल है। ठीक है, ये मैनमेड हो गया, जो आउटपुट बढ़ा नेशनल, ठीक है, और मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में अगर 4% आउटपुट बढ़ा तो ये गोल्ड की डिस्कवरी भी सामने 4% बढ़नी चाहिए। ठीक है, इतना जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ा, जितने रुपए का आउटपुट बढ़ा उतने उतने ही रुपए का, मतलब उतने ही उतनी करेंसी के इक्विवेलेंट गोल्ड का भी आउटपुट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो नेचुरल है, वो डिस्कवरी पे निर्भर करता है, गोल्ड मिलना भी चाहिए इतना। ठीक है, ये कोई मतलब अपने हाथ की तो बात नहीं है। तो क्या होगा, ये ऐसा हुआ नहीं, ये ऐसा ऐसा हैपन नहीं हुआ, मतलब ऐसा ऐसी घटना घटी नहीं कि इतना इतना भी सामने ज्यादा गोल्ड मिले। तो क्या हुआ कि गोल्ड के सामने जो भी एक्सचेंज रेट था वो फ्लक्चुएट होने लगा। ठीक है, मतलब गोल्ड महंगा होता जाएगा ना जो अगर मिलता नहीं है गोल्ड। ठीक है, और लेकिन करेंसी तो वर्ल्ड में अवेलेबल है। ठीक है, तो गोल्ड क्या होता जाएगा, महंगा होता जाएगा इस तरह से, मतलब करेंसी बढ़नी बढ़ती जा रही है और गोल्ड की सप्लाई वो कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम एक क्या हुआ कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का एक मतलब फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है जो, उसका भी कंसेप्ट अभी प्रिवेलेंट हो रहा था।
मतलब इसका मतलब क्या था कि जो 100% करंट जो भी नोट्स थे ठीक है, वो 100% गोल्ड से बैक नहीं थे ठीक है। वो मतलब जितना मतलब अगर मान लो कि इंडिया के पास 100 रुपए की करेंसी है, टोटल 100 रुपए है, उसके सामने वो 100 रुपए का गोल्ड नहीं रखता था, वो 1/4 ऑफ करेंसी ही 1/4 ही गोल्ड रखता था ठीक है। मतलब जो अगर इंडिया के पास 100 रुपए का करेंसी है तो उसके सामने 25 रुपए का ही गोल्ड रखता था ठीक है। क्योंकि उसको मतलब ये एहसास होता था कि जो अगर 25 रुपए का गोल्ड तो एक साथ, मतलब 100 रुपीज का गोल्ड तो एक साथ उसको यूज नहीं करना पड़ेगा ठीक है। तो वो टोटल गोल्ड मतलब जो टोटल जो उसके पास करेंसी था उसका फ्रैक्शनल, उसका एक फ्रैक्शन ही वो अपने पास रिजर्व रखता था उसका। और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब कंट्री क्या करने लगे, गोल्ड के बजाय क्या करने लगे कि वो यूएस और यूके की जो मतलब स्टैंडर्ड करेंसीज थी ठीक है, डेवलप्ड नेशंस की, वो अपने पास रखने लगे, क्योंकि वो कन्वर्टिबल तो थी एक दूसरे में गोल्ड के माध्यम से ठीक है। तो ये जो मतलब धीरे धीरे गोल्ड का जो रोल है वो कम होने लगा ठीक है। 1929 के बाद गोल्ड का जो रोल है वो बहुत ही कम होने लगा। तो ये गोल्ड का रोल अब कम होने लगा, तो अब नई मतलब नई कोई सिस्टम लाने की जरूरत पड़ी ठीक है। तो अब हुआ एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ मतलब जो 1944 में, उसमें एक नया सिस्टम लाया गया, वो था टू टायर सिस्टम। ठीक है, उस वक्त क्या था कि यूएस में 70% गोल्ड जो गोल्ड रिजर्व थे ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब यूएस के पास गोल्ड रिजर्व थे 70% ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, अब पहले मैं आपको टू टायर सिस्टम समझाता हूं। उसमें क्या रखा गया कि डॉलर का जो एक $35 इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड कन्वर्ट होता रहेगा ठीक है। मतलब जो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व थी उसने ऐसा परमिट किया कि $35 इज इक्वल टू मतलब इसका जो कन्वर्जन होगा जो गोल्ड में, तो 1 ounce ऑफ गोल्ड होगा, कि $35 इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड, ऐसा कन्वर्जन रेट रहेगा। चलिए, तो मतलब पहला टायर क्या था कि $35 इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड, और दूसरा टायर क्या था कि जो मेंबर कंट्रीज है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी जो है उनको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर का एक रेट रखेंगे ठीक है। ये दो टू टायर सिस्टम था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि अमेरिका के पास 70% जो मतलब इसका एक एक प्रॉब्लम था, ये था इसमें 70% जो गोल्ड का रिजर्व था वो अमेरिका के पास था ठीक। तो अब एक टिफिन डायलेमा आता है, ये मैं आपको बताता हूं, टिफिन पैराडॉक्स हम बोलते हैं। देखिए कि इससे क्या होगा कि इस ब्रेटन वुड सिस्टम से क्या होगा कि जो डॉलर है वो डोमिनेट करेगा। क्यों करेगा कि अमेरिका के पास 70% है जो गोल्ड का रिजर्व था, और दूसरी जो कंट्रीज है उनको भी अपनी अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो रेट होता था उसको डिटरमाइन करना था। तो इससे क्या होगा कि डॉलर डोमिनेट करेगा, तो यूएस की जो ट्रेजरी है उसको डॉलर का प्रिंट करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा ठीक है। डॉलर का प्रिंटिंग होगा बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि अपना अपना भी अपने पास भी डॉलर रखना है, और पूरी दुनिया के देशों को भी उसको डॉलर देना पड़ेगा रिजर्व में रखने के लिए। तो इससे क्या होगा कि यूएस में क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है ठीक है। इसका मतलब अगर यूएस में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो एक साइकिल ऐसी क्रिएट होगी कि जो डॉलर है उस पे से ट्रस्ट कम होने लगेगा लोगों का, डॉलर का जो ट्रस्ट है ठीक है वो कम होने लगेगा लोगों का ठीक है। और जो डॉलर होगा वो चीप होने लगेगा ओवर द टाइम ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रिंट करने लगेगा डॉलर, मतलब डॉलर का जो संख्या है वो दुनिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक देशों को वो देने लगे ब्रेटन वुड सिस्टम के अंडर, वो डॉलर डोमिनेट करता है,
तो दुनिया के सभी देशों के पास डॉलर होना चाहिए, तो यूएस है उसको बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा, तो डॉलर का जो ट्रस्ट है वो भी कम होने लगेगा ओवर द टाइम, और डॉलर है वो चीप होने लगेगा, ठीक है, जो डोमेस्टिक करेंसीज है उनके सामने। तो ये ब्रेटन वुड सिस्टम का एक प्रॉब्लम था, इसको हम बोलते हैं ट्रिफिन पैराडॉक्स, कि पहले तो डॉलर डोमिनेट करेगा लेकिन उसके बाद में डॉलर की जो महत्व है वो कम होती जाएगी, ठीक है, ये था ट्रिफिन पैराडॉक्स। तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम था उसका, जो ये ब्रेटन वुड सिस्टम का, उसके बाद क्या लाया गया, 1969 में आईएमएफ जो था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, उन्होंने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इश्यू कर दिए अपने मेंबर कंट्रीज के लिए, ठीक है। अब मतलब जो गोल्ड है उसके हिसाब से नहीं, गोल्ड अब एसेट नहीं रहेगा, ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो अब एसेट बन गए, इसको हम बोलते हैं पेपर गोल्ड। ये भी पूछा जा सकता है आपको प्रीलिम्स में, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड, मतलब ये एक तरह के जो ड्रॉइंग राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कि कंट्री इतना जो भी वो आईएमएफ से पैसा ले सकता है। तो मतलब ये ट्रिफिन पैराडॉक्स को समझने के बाद क्या किया गया, कि ये जो ट्रिफिन पैराडॉक्स था उसके बाद आईएमएफ ने एसडीआर इश्यू कर दिए, जिसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद एक 1971 में स्मिथसोनियन एग्रीमेंट भी आया था, जिसमें क्या गया गया था कि जो एक्सचेंज रेट है उसको 2.5 प्लस और माइनस करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है, मतलब इतना एक रेंज दिया गया था, लेकिन ये जो एग्रीमेंट था वो 14 मंथ्स के लिए ही चला, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, उसके बाद ये डाइड, मतलब ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो जो कंट्रीज ने इसको यूज करना बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन की जो 1999 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, उसने क्या किया कि यूरो नाम की एक करेंसी लाई, और अपने जो मेंबर स्टेट्स है, ये मैं आपको थोड़ा करंटली दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब हम आगे आगे रहे, पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो उनके जो मेंबर कंट्रीज थे उनके लिए एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया, ठीक है, ये जो यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन है उसने अपने मेंबर कंट्रीज के लिए यूरो करेंसी भी लाई, और अपने जो मतलब जो जो इंटर कंट्री जो भी ट्रेड होगा अपने मेंबरों के साथ, उसके लिए एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। अब उसके बाद अर्जेंटीना ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था ये एक्सचेंज रेट के ऊपर। अर्जेंटीना ने क्या किया कि अपना जो पेसो करेंसी है और डॉलर है, मतलब ये जो उसका जो सिस्टम लाया गया था उसको हम बोलते हैं करेंसी बोर्ड सिस्टम, उसमें जो पेसो है और यूएस डॉलर है उसका जो रेट किया था वो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अर्जेंटीना की जो डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी, ठीक है, तो उसको भी मतलब ये जो सिस्टम थी उसको भी कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इक्वाडोर 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 के बाद इक्वाडोर के द्वारा, उन्होंने क्या किया कि डॉलराइजेशन किया। डॉलराइजेशन का मतलब है कि उन्होंने अपनी जो लोकल करेंसी है उसका यूज स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, उन्होंने डॉलर का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वाडोर का जो भी करेंसी है वो अब कौन कंट्रोल कर रहा था, यूएस का फेडरल रिजर्व, ठीक है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अब करेंसी उसकी मतलब वो तो डॉलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब वो डॉलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो डॉलर यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो उनकी इकोनॉमी को अब कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है। तो मतलब वो उसके बाद वो इक्वाडोर ने फिर से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये था कुछ कुछ मतलब ओवरऑल जो हिस्टोरिकल कंटेक्स था, ये मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट में जैसे कि अर्जेंटीना ने किया,
इक्वाडोर ने किया, यूरोप ने किया, ठीक है। और टिफिन पैराडॉक्स था, टिफिन पैराडॉक्स के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे यूएस का डोमिनेशन बढ़ता जाएगा यूएस की करेंसी का, तो पहले तो उसका डोमिनेशन सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद इस करेंसी का इतना ज्यादा प्रिंटिंग हो जाएगा कि उसमें उसमें से लोगों को ट्रस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और वो डिप्रिशिएट होने लगेगा। चलिए, तो ओवरऑल क्या ये डेवलपमेंट हुआ है? ओवरऑल ये डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि आज क्या हुआ है कि जो एक्सचेंज रेट है आज, उसमें गोल्ड का कोई रोल नहीं रहा है। ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है आज, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, ये जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कैसे हुआ, ये भी कैसे होता है, ये भी उसके भी फैक्टर्स हमने पढ़े। और आज ओवरऑल क्या हुआ है कि पहले 1817 से शुरू करके हमने आज तक पढ़ा, तो आज ये क्या हुआ है, पहले क्या था कि फिक्स्ड रेट पे एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन ये इतने ज्यादा सफल नहीं हुए, और तो आज ये कंप्लीटली जो मार्केट के फोर्सेज है, डिमांड और सप्लाई और दूसरे फोर्सेज है, उनपे निर्भर करता है, और कई मतलब इसके कई एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब आज ये हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और जो हमारी एनसीईआरटी है वो भी आज इकोनॉमिक्स की पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है।